दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन मीता मोइत्रा किचन। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ इंदौर की गलियों में। जी हाँ, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था मुंबई का फेमस ट्रेंडिंग स्ट्रीट फूड चीज बर्स वड़ा पाव की रेसिपी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी इंदौर की फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी जो हर फूड ब्लॉगर खाकर पागल सा हो जाता है। तो चलते हैं किचन में और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैं क्या बनाऊंगी। सो दोस्तों, ये है इंदौर की बहुत ही फेमस और डिलीशियस स्ट्रीट फूड खोपरा पैटीज। जी हाँ, आप इसे एक बार खाओगे ना तो आई एम डैम श्योर आप एक बाइट में तो कभी नहीं रुक सकते। इसकी फीलिंग होती है कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स की और ऊपर से कोटिंग होती है आलू की। तो देर ना करते हुए फटाफट से बनाते हैं इस रेसिपी को और फटाफट से मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक। सबसे पहले हम बनाएंगे कोकोनट की फिलिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा नारियल लिया है। और अब मैं इसमें करीब एक चम्मच किशमिश, चॉप किया हुआ एक चम्मच काजू, चॉप किया हुआ एक चम्मच बादाम, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरी धनिया मिला दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी करीब आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और एक तिहाई चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा कलर के लिए लाल कश्मीरी मिर्च। इन सब को हम मिक्स करेंगे और ये कोकोनट की फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे दो बॉईल किए हुए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें मैं अब स्वाद अनुसार नमक मिलाऊंगी और दो चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा और आपके पैटीज जो है वो फटेंगे नहीं। और अब मैं इसमें करीब 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम मिलाऊंगी। इससे पैटीज में ऊपर की परत में एक क्रिस्पीनेस आएगा। और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, मैंने इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर रेडी है। और अब मैं अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और फिर इस आलू के मिक्सचर से एक बॉल बनाऊंगी। जैसे एक रोटी के लिए हम बॉल बनाते हैं आटे की लोई, उतनी ही बड़ी हमें इसे बॉल बना लेनी है। अब हम इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और फिर इसके अंदर मैं ये कोकोनट की फिलिंग को फिल करूंगी करीब 1 से 1.5 चम्मच। हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करें और फिर इसको हम अच्छे से ऊपर से क्लोज कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और ये हमारी पहली कोपरा पैटीज रेडी है फ्राई करने के लिए। इसी तरीके से मैं एक दूसरी पैटीज भी बना लूंगी और बाकी सारी भी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और आप जब इसे खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब इनको हम इस गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा, तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये इवनली चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो। ये फ्राई हो चुके हैं। देखने में तो ये गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं, लेकिन है ये कोपरा पैटीज। और अब आप इसे सर्व करिए एकदम स्ट्रीट स्टाइल में एक दोने में और ऊपर से डालिए खट्टी मीठी इमली की चटनी और धनिया पुदीने की हरी चटनी। अगर कोई अब इंदौर नहीं जा सकता तो अफसोस ना करिए, कोपरा पैटीज घर पर बनाइए और एंजॉय करिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।